हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। साथियों, यहाँ पर एक और बड़ी खबर अन्वेषक और शिक्षा मित्रों से संबंधित है। क्या है, मैं आपको पूरा विस्तार पूर्वक पढ़कर सुनाऊंगा। ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रही है। सम्मानित अन्वेषक साथियों को तेजस्वी का नमस्कार। सम्मानित अन्वेषक साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हुआ था कि नई शिक्षा नीति 1 अप्रैल से लागू हो गई है। उसमें अनुदेशक, शिक्षा मित्र और कस्तूरबा वित्त विहीन शिक्षकों को बाहर कर दिया जाएगा और शिक्षक भर्ती में 12 अंक देने की बात कही थी। उपरोक्त बातों का क्या सत्यता है, इसकी जानकारी हमने कई उच्च अधिकारियों से वार्ता करके स्पष्ट की है। जानकारी के अनुसार, आप सभी को पता ही होगा कि शिक्षा मित्र साथियों को शिक्षक भर्ती में 12 अंक दिया जा रहा है। इस तरह विगत 10 वर्षों से कार्य कर रहे किसी भी संविदा कर्मचारी को ऐसे निकाला जाना संभव नहीं है। नई शिक्षा नीति में प्रावधान है कि संविदा कर्मचारी की नियुक्ति अब नहीं की जाएगी। जो पहले से कार्यरत हैं उनको वेतनमान के स्थान पर वेतनमान दिया जाएगा या स्थायी करने के प्रावधान किए गए हैं। आप सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, विगत 8-9 वर्षों से हम सभी कार्य कर रहे हैं, हम सभी को अपना हक अधिकार ज़रूर मिलेगा। जल्द ही इस बिंदु पर सरकार निर्णय लेगी और किसी भी संविदा कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ वायरल हुई थी वह पूरी तरीके से गलत है, उसका कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए आप सभी लोग निश्चिंत रहें, आप सभी को हक अधिकार अवश्य मिलेगा। बस देर है, अंधेर नहीं है, धैर्य रखें, धैर्य बनाए रखें, बहुत जल्दी हम सभी को अपना अधिकार मिलेगा। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ। जय माता दी। आपके संघर्षों का साथी तेजस्वी शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष, उच्च प्राथमिक अन्वेषक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। साथियों, यहाँ पर एक अजीबोगरीब समाचार आ रहा है। ये समाचार मैनपुरी से है और इसमें बताया गया यूपी में बच्चे गुरुजी छोटा पशु पकड़वाएंगे। मैनपुरी के CDO ने जारी कर दिए हैं आदेश। दीप सिंह, timesgroups.com से ये समाचार लिया गया है, लखनऊ। अब उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के छात्र और गुरुजी छुट्टा पशुओं को पकड़वाएंगे। BSA और BEO की भी सहयोग करेंगे। मैनपुरी के CDO के ऐसे ही आदेशों से शिक्षक हैरान हैं। इसके अलावा और भी कई आदेश CDO ने दिए हैं जो शिक्षकों को रास नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे ही पढ़ाई के अलावा शिक्षक इतने सारे काम कर रहे हैं, अब ये नया काम सौंपा जा रहा है, ये आदेश भी रास नहीं आ रहे हैं। मैनपुरी के CDO विनोद कुमार ने 23 मार्च को BSA और सभी BEO के साथ बैठक की थी। उसमें ही उन्होंने मौखिक तौर पर कई आदेश दिए थे। उसके बाद 31 मार्च को ये आदेश जारी किए गए। इसमें उन्होंने लिखा है कि हर महीने की 5, 15 और 25 तारीख को अभियान चलाकर निराश्रित गोवंश को पकड़ने जाने के लिए अभियान चला जाएगा। इसमें सभी शिक्षक साथी, शिक्षक और सभी खंड शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहयोग करेंगे। साथ ही उन्होंने आदेश दिया है कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक मध्याह्न भोजन खुद खाते हैं तो उन्हें 2500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से विद्यालय के खाते में जमा करने होंगे। शिक्षक कार्य के समय शिक्षकों को, अनुदेशकों को और शिक्षा मित्रों को अपना मोबाइल फ़ोन विद्यालय में ड्रॉप बॉक्स में रखना होगा। वहीं हर परिषदीय विद्यालय से 4 से 10 सहजन के वृक्ष लगाने होंगे। इसके लिए 7 रुपये प्रति पौधे पर भय जिले के DFO से हासिल कर सकते हैं। शहर में छुट्टा पशु समस्या बन रहे हैं। ये साथियों समाचार आ रहा है, पढ़ाई छोड़ सभी काम करवाए जा रहे हैं। इस बारे में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह कहते हैं कि शिक्षकों को मोबाइल पर ही अपनी हाजिरी, बच्चों की हाजिरी, मिड डे मील से लेकर पूरा ब्यूरो फीड कराना होता है, मोबाइल ड्रॉप बॉक्स में रखवाने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही पढ़ाई छोड़कर बाकी सारे काम करवाए जा रहे हैं, अब छुट्टा पशु भी पकड़वाएंगे तो फिर पढ़ाई कब होगी, सहजन के वृक्षों के लिए धनराशि कहाँ से आएगी, इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है। मिड डे मील बच्चों के लिए होता है, हेडमास्टर का काम है कि वह चख कर दे, शिक्षकों को वहाँ भोजन करने का कोई प्रावधान नहीं है। अब शिक्षकों के 25 रुपए में भोजन का आदेश भी समझ से परे है। ये
अजीबोगरीब समाचार और अजीबोगरीब बातें आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रही हैं, और क्या क्या आदेश आ रहे हैं।